तो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी एस अनिकेत सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। और आपके प्रिपरेशंस को और बेटर बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पे निहाल। सो वंस अगेन वेलकम निहाल, थैंक यू एंड सर, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन। एंड निहाल यहाँ पे जुड़े हैं बिकॉज एक जो बहुत बड़ा सरदर्दी होता है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, वो कहीं ना कहीं ऑडिट होता है। और बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर ऑडिट में हमें 30-35 मार्क्स मिल रहे हैं। जब मैं उन्हें कहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तब भी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना ही रहता है कि सर 40 आ जाए, 45 आ जाए, दैट इज गोइंग टू बी सफिशियंट। बट अगर मैं यहाँ पे निहाल की बात करूँ तो निहाल के प्रीवियस अटेम्प्ट में आए थे 32 मार्क्स इन ऑडिट, एंड इन दिस वेरी अटेम्प्ट ही हैज गॉट 74 मार्क्स इन द सब्जेक्ट, राइट? 74 मार्क्स आए हैं निहाल के। तो मतलब ये जर्नी फ्रॉम 32 टू 74 इन सीए फाइनल ऑडिट, सो दैट इज वेरी वेरी ड्रास्टिक, दैट इज वेरी वेरी ड्रास्टिक, दैट जंप इज वेरी वेरी ड्रास्टिक। और ये जो वीडियो है, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू गाइड ऑल द स्टूडेंट्स कि आखिर ये जो ऑडिट जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि स्कोरिंग नहीं है, कैसे ऑडिट में भी बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो अपना मेथडोलॉजी ऑडिट पढ़ने का वो सही हो। तो निहाल यहाँ पे हमें गाइड करने वाला है रिगार्डिंग दिस। थैंक यू सर, ग्लैड टू बी अप। सो निहाल, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ऑडिट में आपके 30 मार्क्स आए, लाइक 32 आए, सो उस वक्त आपने क्या समझा, क्या जाना कि क्या रीजन था आपके फेलियर का, और फिर आपने क्या स्टेप्स लिए टू अकॉर्डिंगली ओवरकम दैट प्रॉब्लम एंड इंक्रीज द मार्क्स इन द सब्जेक्ट? सर, ऐसा होता है ना कि प्रोफेशनल एग्जाम्स जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं। एक तो अपना इफ वी सी आईसीए का एग्जाम जो है, उसमें आईसीए अपने को बुक्स देता है। तो ऑडिट में आपको तीन मॉड्यूल्स मिलेंगे, तीन मॉड्यूल्स में तो तुम पढ़ के जाओ, आईसीआई आपको उसमें से ही पूछेगा, कंसिडरेबली बाहर से नहीं पूछेगा। बाकी प्रोफेशनल एग्जाम देखिए, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, उसमें कोई बुक्स नहीं होती है जो आपके इंस्टीट्यूट देती है, राइट? तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। पर अगर अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट बुक दे रहा है तो आपको उस इंस्टीट्यूट को भी लिबर्टी देना पड़ेगा कि वो कहाँ से भी कुछ भी पूछ ले, बर उस बुक में से, करेक्ट? तो एक चीज ऐसी है कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पूरा पढ़ना है फ्रॉम ए टू जेड। मैंने गलती जो किया था इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट, मैंने स्टैंडर्ड सही से नहीं किया था। पी इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर आते हैं चैप्टर्स। चैप्टर्स मैंने ऑलमोस्ट 20-30% कवर किए थे, ऑलमोस्ट मेरे कवरेज वॉज नॉट इनफ, राइट? ये एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आता है कि मेरा टेस्ट जो मैंने दिया था इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरे को 58 आए थे, राइट? पर वो टेस्ट का ऐसा था ना कि मेरे को वो राइट डायरेक्शन में लेके नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब मैं एग्जाम में गया तो आई वॉज ब्लैंक, मेरे को कुछ आता नहीं था, मेरे को एमसीक्यूज नहीं आते थे। एमसीक्यूज टेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम द मॉड्यूल, राइट? जो भी आप मॉड्यूल से पढ़ोगे आपको मॉड्यूल करना है नो मैटर वॉट, फ्रॉम ए टू जेड। ऑडिट इज सच अ सब्जेक्ट कि वो खत्म होने नहीं वाला है। इवन अ डे बिफोर द एग्जाम आपको लगेगा कि भाई मैंने ऑडिट पढ़ा ही नहीं है, राइट? मैंने गलती क्या की थी, हाउ डिड आई जंप फ्रॉम 32 टू 74? पहली बात, स्टैंडर्ड्स, तो ऑडिट को मैं पहली बात तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक आते हैं स्टैंडर्ड्स, एक आता है पी, एक आता है चैप्टर्स, ठीक है? पी में लोगों को प्रॉब्लम होता नहीं है। स्टैंडर्ड्स में यू हैव टू इंश्योर यू आर कवरिंग मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, इफ नॉट 90%, देन थिंक दैट बॉस तुम्हारा अटेम्प्ट लगने वाला है। एटलीस्ट 90% स्टैंडर्ड्स तुम्हारे कवर हो जाने चाहिए। चैप्टर्स, आई थिंक मैंने ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट इसको छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स कर लिए थे। व्हेन इट कम्स टू बैंक ऑडिट और इंश्योरेंस, उसमें मोटा मोटी सारा कुछ कर लिया था। वाउचिंग क्वेश्चन जो होते हैं, वेरिफिकेशन क्वेश्चन जो होते हैं, वो ऑलमोस्ट 90 टू 95% मैंने कवरेज कर लिया था, बाकी चैप्टर तो सारे कर लिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑडिट में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आप करोगे उसको रिवाइज कितना करोगे, क्योंकि तो खत्म ही नहीं हो रहा। रिविजन करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो पॉइंट। थर्ड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टेस्ट कौन से देने भाई। टेस्ट अगर आप कोई टेस्ट टेस्ट दे रहे हो तो एक कंप्लीट एक्सपेक्टेशन आपको टेस्ट से ये रखना है कि टेस्ट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको बाउंसर लगने चाहिए, क्योंकि तो एग्जाम में बाउंसर आने वाला है। आपको जो होलसमनेस टेस्ट टेस्ट का इंश्योर करना है वो काफी अच्छे से करना पड़ेगा। टेस्ट अगर होलसम हो तो आप जाके एग्जाम में उसको फोड़ पाओगे। कि अगर आपका स्टैंडर्ड्स इतने सारे से आना चाहिए, इतना पी है, पी के बाद उसका गाइडलाइंस भी है, फिर चैप्टर्स भी है, तो हर एक चीज से थोड़ा 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 करके पूरा अगर टेस्ट बने तब जाके आपका होलसम कवरेज बनता है। उसके बाद आपके जो मार्किंग स्कीम है, अगर आपको सही से मार्किंग, अगर आपको टेस्ट में मिल रहे हैं 60-70-80, तो आप एक्सपेक्ट करो आपको आपको हेयर कट 20-30% एग्जाम लगा के चलना है, ठीक है? अगर आपका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हो एग्जाम में तो बात ही अलग है, राइट? तो टेस्ट सीरीज से गाड़ी। टेस्ट सीरीज में एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे डिसम्बर अटेम्प्ट में हुआ नहीं था, कि अगर आपको कोई चीज गलत हो रहा है
तो गलत का रीजन क्या है, तो टेस्ट जो चेक कर रहा है उसको लिखना पड़ेगा कि बॉस दिस इज व्हाट यू डन रॉन्ग, राइट, वो पहले हुआ नहीं था. तो दिस इज हाउ द टेस्ट हैज हेल्प मी, बिकॉज मेरे को टेस्ट में आया था 60 इन द फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट में 68. अगर आपका वो प्रोग्रेस हो तब जाके मेरे को एग्जाम में आया 74. इन कंक्लूजन, ऑडिट का कवरेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कवरेज मतलब ए टू जेड, अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हो उसका कोई बीच का पार्ट छोड़ दिया, इधर का छोड़ दिया, लास्ट का पार्ट छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं करना है. अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हो तो पूरा करना है, अगर कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो वो छोड़ दो. एग्जाम्पल, मैंने क्वालिटी रिव्यू स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, पर एंड में जाकर वो कर लिया था, आधा थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था, पर एक क्वेश्चन जो आया था क्वालिटी रिव्यू का वो मुझे आता नहीं था और वो एग्जाम में आ गया था, पर मैंने कुछ भी करके उसको लिख लिया क्योंकि मुझे थोड़ा कॉमन सेंस क्वालिटी रिव्यू के बारे में था, पर मैंने पूरा छोड़ा नहीं था. जो भी मैंने छोड़ा था उसमें से मैंने पार्ट छोड़ दिया था. आई थिंक मैंने 95% ऑफ द ऑडिट कवर कर लिया था. हमको SFM में एक दिन पहले छुट्टी मिला था, SFM में एक्सेप्शन छुट्टी मिला था, एक दो दिन का छुट्टी ऐसा मिला था, तो वहां पर मैंने ऑडिट कवर कर लिया था. पॉइंट बिंग, कॉम्प्रिहेंसिव आपको कवरेज करना है. अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हो तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ICAI स्ट्राइक कर रहा है लास्ट के कुछ पेजेस. अगर आप देखोगे December 2019 PSU, मैंने PSU ऑलमोस्ट 80-90% कर लिया था, पर लास्ट के पेज पे 4 pointer का एक आंसर आ गया था जो मैंने किया नहीं था. पर आपको 4 point, 5 point अगर दिखता है आपको वो पढ़ना है फॉर श्योर. आपको 4-5 point वाला कोई भी आंसर दिखता है वो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि उसके आने का चांस एक पैराग्राफ वाले फॉर्मेट वाले टेक्स्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि वो चेक करना भी इजी होता है. अगर कोई 4-5 point वाला आंसर ऐसे के मोड में देखे रखा है तो दैट इज मोर कंपेरेटिवली इजियर टू चेक फॉर द चेकर एज वेल, राइट, क्योंकि उसको अगर 4 point दिख गए, आपने लिखे उसमें, आपके सजेस्टेड आंसर में आ गया, वो 4 points टिक करके आपको 3-4 marks दे देंगे. तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टू कंक्लूड, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, टेस्ट सीरीज, मल्टीपल रिविजन्स, ये बहुत सारा हेल्प किया मुझे टू सिक्योर 74 इन ऑडिट. ओके, लाइक टेस्ट पेपर्स में आपने टेस्ट सीरीज की बात करी कि आपने दिसंबर में जो भी टेस्ट लिया था, आई विल नॉट नेम इट, तो लाइक यू वर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ टेस्ट. तो आपने जब अपना मेंटल टेस्ट सीरीज लिया फॉर May 2022 एग्जामिनेशंस, तो व्हाट वाज द डिफरेंस यू फेल्ट कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज ने मुझे हेल्प करी इस अपना मेंटल टेस्ट सीरीज के प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे इंप्रूवमेंट आ रहे हैं? सर, एज आई सेड बिफोर, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए टेस्ट. टेस्ट सब कुछ कवर करना चाहिए आपका. जो मैंने पहले दिया था, आई सपोज द कवरेज वॉज लिमिटेड, लिमिटेड चीजें पूछ रहे थे वहाँ पे. अपना मेंटल टेस्ट में ऐसा नहीं था, कवरेज वॉज द की पॉइंट आई फील. सेकेंडली, द कॉमेंट्स वर वेरी एक्यूरेट. अगर कॉमेंट्स अगर देखा जाए, वेरी एक्यूरेट कॉमेंट्स, वेरी आई एम सॉरी, जो कॉमेंट्स दिए गए थे दैट वुड हेल्प यू टू करेक्ट कि आगे आपको करना क्या है. दैट्स वाई इफ यू सी मेरा जंप जो था इन द टेस्ट, 60 से 68 मेरा टेस्ट में ही जंप होता है. 8 marks अगर आपके टेस्ट में ही जंप होता है तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपका जो मेन एग्जाम आता है उसमें भी सिमिलर मार्क्स अगर आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. ओके, एंड आपने सारे टेस्ट दिए थे, लाइक 10 चैप्टर वाइज टेस्ट, 200 मार्क्स टेस्ट आपने सारे दिए? नहीं, तो द पॉइंट इज कि मेरे पास दो रिजल्ट केम आउट ऑन 15th ऑफ फेब. आई स्टार्टेड स्टडीइंग फ्रॉम 20th ऑफ फेब, तो 2 महीने का जो टाइम था आई सपोज वो सफिशिएंट नहीं था फॉर ऑल द 10 टेस्ट. मैंने MCQ के टेस्ट दिए थे, आई सपोज 100 मार्क्स के 2 MCQs आते, और मैंने 2 full जो टेस्ट सीरीज होता है 100 मार्क्स का, मैंने वो दिया था. तो आई सपोज वो काफी सफिशिएंट थे फॉर इंश्योरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. राइट, टेस्ट जितना दे दो उतना कम है. एंड अब अगर May 2022 एग्जाम्स की बात करें तो अभी बच्चों के पास टाइम है, इस बार रिजल्ट्स पहले आया है, तो आई विल अगेन सजेस्ट इस बार आप दे रहे हो तो यार पूरे सारे चैप्टर वाइज टेस्ट, 100 मार्क टेस्ट सब दो. अगर एग्जाम से 1.5 महीना पहले टेस्ट ले रहे हो तो उपाय नहीं है, फिर यू कैन गिव गो फॉर द 100 मार्क्स टेस्ट फॉर द MCQ टेस्ट. अभी एग्जाम से 3 महीना पहले अगर टेस्ट ले जा रहे हो तो गो फॉर एवरीथिंग, गो फॉर एवरी चैप्टर वाइज टेस्ट, एवरी 100 मार्क टेस्ट. करेक्ट, एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट कि मैंने क्या किया था ना कि अगर स्टैंडर्ड्स है, हर एक स्टैंडर्ड का एक एक आंसर, अगर आप रात को इफ यू स्पेयर 30-40 minutes और हर एक स्टैंडर्ड से 2-3 answer आप लिखने को ट्राई करो, तो दैट वुड अगर वो क्यूमुलेट होता है ना तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है उसका ऑन योर एग्जाम डे. क्योंकि आपको जो आप याद करते हो आप बोल बोल के याद करते हो, पर जो लिख कर याद होता है ना वो बोल बोल कर याद नहीं होता है. व्हेन इट कम्स टू ऑडिट, पोर्शन इतना है कि अब जितना भी याद कर लो कुछ ना कुछ तो रह जाएगा. व्हेन इट कम्स टू राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू ऑडिट. आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करना ही है, टेस्ट दो, खुद भी लिखो. तो या दैट्स अ सजेशन. और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा टू व्हाट निहाल सेड कि लाइक कोई चैप्टर कर रहे हो तो पूरा करो, स्टार्टिंग से एंड तक करो, बात तो सही है, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका थ्योरी एक वीक पॉइंट है, दे फेस वन डिफिकल्टी इन दिस वेरी थिंग कि वहां पे कवरेज इतना ज्यादा हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस इतना ज्यादा हो जाता है कि उस चीज को रिटेन करना, उस चीज को रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है.
तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में एक सजेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा कि यस टारगेट करो कि सब कुछ कवर करना है, बट एटलीस्ट जब पहली बार कर रहे हो दूसरी बार कर रहे हो तो प्राइमा फेसी फिक्स कर लो कि ठीक है यार स्टार्टिंग में इतना करना है, एटलीस्ट बी कंफर्टेबल विद दैट, उसके बाद एड ऑन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी बुक से कर रहे हो तो वहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज मिलेगा कुछ चैप्टर्स का, तो पहले उतना कर लो अच्छे से, फिर देखो स्टडी मैट में एडिशनली क्या क्या है जो यहाँ नहीं था, और फिर एडिशनली उन टॉपिक्स को कर लो। तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करा, बट एटलीस्ट आपने क्या करा कि पहले आपने जो एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट चीजें हैं वो कर ली, और उसके बाद आपने एड ऑन करके बाकी चीजें भी कवर कर ली, जिससे कवर तो सारी चीजें कर रहे हैं बट प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज वन थिंग द स्टूडेंट्स कैन डू व्हेन यू फील दैट द कंटेंट इज वेरी बल्की, और एक बार में अगर मैं सारा करने जा रहा हूँ तो चीजें मेरे लिए डिफिकल्ट हो रही है, तो वहां पे आप उस तरीके से कर सकते हो कि लाइक मेरा एग्जाम ओरिएंटेड का प्रेफर कर रहे हो तो पहले उतना कर लो, फिर बाद में सेकंड थर्ड रिवीजन में एड ऑन कर लो, या फिर आप क्वेश्चन बैंक वगैरह कर रहे हो तो पहले उतना पार्ट कर लो जितना एग्जाम में आया है, उसके बाद आप देख लो कि ऐसे ऐसे में एडिशनल क्या है और उन चीज को क्या कर लो, कवर अप कर लो। एक चीज और निहाल ने बताया था कि जो चार पांच पॉइंट के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, तो वो चीज अपने को देखना होता है कि चार पांच पॉइंट के जो क्वेश्चन है वो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आप ऐसे स्टडी मैट्स अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये चीज ध्यान रख के पढ़ना कि क्वेश्चन एग्जाम में चार नंबर का ही आएगा, चार नंबर या पांच नंबर का। तो अगर कोई टॉपिक है जो दो या तीन पेज में दिया हुआ है तो आप उसको फिर ब्रीफ कंसाइज करके उतना लेकर आ जाओ, उसको पांच छह पॉइंट्स में एक्सट्रैक्ट कर लो कि आपने याद पांच छह पॉइंट्स ही करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको उससे ज्यादा लिखने की नीड नहीं होगी, राइट? एंड वन मोर थिंग निहाल एडेड वाज दैट कि मैं लिख लिख कर देखता था स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन, बहुत अच्छी चीज बताई निहाल ने, आप अगर लिख लिख कर देखते हो उन क्वेश्चंस को तो आपका रिटेंशन इंक्रीज होता है, आपकी लर्निंग इंक्रीज होती है। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप चीजों को लिख कर देखें, स्टैंडर्ड्स के टॉपिक्स को लिख कर देखें, राइट? एक और चीज मैं स्टैंडर्ड्स में ऐड करना चाहूंगा, स्टैंडर्ड्स का अगर आंसर देखते हो तो आई वुड रादर कैटेगराइज एन आंसर, क्लासिफाई एन आंसर रादर ऑफ अ स्टैंडर्ड इनटू फाइव पार्ट्स। अगर आप कोई स्टैंडर्ड का आंसर लिख रहे हो तो पहली बात एक स्टैंडर्ड के बारे में लिखो, एग्जांपल 500 के ऐसे 500 के बारे में लिख रहे हो तो 500 किस चीज के बारे में बोलते हैं वो लिखो, फिर आपको एक जनरल चीजें लिखने पड़ेंगे, एग्जांपल ऐसे 200 के बारे में लिख दो, या फिर कोई रेलेवेंट स्टैंडर्ड है इंडियस है या फिर कोई एएस है, एएस इज नॉट रेलेवेंट एनीमोर फॉर अस, इंडियस है तो इंडियस आप लिख दो, तो दो पैराग्राफ वहाँ पे आ गए, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, फिर आपका एनालिसिस लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, तो पांच स्टेजेस में स्टैंडर्ड का आंसर आना चाहिए। सिमिलरली पी का आंसर, पी का आई थिंक स्टूडेंट्स को पता होता है कि पी के आंसर लिखने कैसे, तो मोस्टली 3-4 मार्क्स 4 में से मिल जाते हैं पी के आंसर में, तो स्टार्ट विद द क्लॉज, क्लॉज क्या बोल रहा है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखो, अपना एनालिसिस लिखो, कंक्लूजन लिखो, फिर पेनल्टी सेक्शन 21 में क्या लिखा है, सेक्शन 21 आप कोट करना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये एक पी का, तो हर एक आंसर जो होता है वो स्ट्रक्चर में होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर में तो जो लिख जो आपको देख रहा है कि भाई आंसर उसने लिखा है तो उसको भी स्ट्रक्चर में दिखता है, और आपके कीवर्ड्स अगर हाईलाइटेड है तो दैट इज अ चेरी ऑन द टॉप, तो अगर आप वैसे लिख रहे हो ना तो मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सो बेसिकली व्हाट निहाल हैज एक्सप्लेन्ड इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन इन योर एग्जामिनेशन, जो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अपने क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड्स है तो चार पार्ट में डिवाइड करो, पी है तो पांच पार्ट में डिवाइड करो, देखो कोशिश करो कि मल्टीपल प्रोविजंस है तो मल्टीपल प्रोविजंस का रेफरेंस दो, कोशिश करो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो स्टार्टिंग का जो दो तीन लाइन है उसका लैंग्वेज अच्छा हो, फिर मल्टीपल रेफरेंस यूज हो रहा है तो मल्टीपल रेफरेंस को आप यूज करो, राइट? प्रोफेशनल एथिक्स है तो जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि सेक्शन 21-22 का रेफरेंस दे सकते हो, सेक्शन 21 में अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है तो बीओडी ने वहां पे पेनल्टी इंपोज करा है या डीडी ने करा है वो चीज बता सकते हो। कारों के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 143 सबसेक्शन 11 पैरा 3 का रेफरेंस दे सकते हो। तो इस तरीके से जो की टर्मिनोलॉजीज हैं उस पे आप अगर फोकस करोगे, आंसर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, अगर आप इन चीजों पे फोकस करोगे तो अगेन दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। और ये प्रेजेंटेशन आप कैसे सीख सकते हो, जैसे निहाल ने स्टडी मैट बहुत अच्छे से गो थ्रू करा है, तो अगर एक बच्चा स्टडी मैट बहुत अच्छे से गो थ्रू करता है तो वहां से वो प्रेजेंटेशन डेफिनेटली सीख सकता है। अगर किसी बच्चे ने स्टडी मैट अच्छे से गो थ्रू नहीं भी करा है तो एटलीस्ट इन माय क्लासेस जैसे मैंने खुद भी प्रेजेंटेशन के ऊपर काफी ज्यादा काम करा हुआ है वहां पे कि हाउ टू एम्फसाइज ऑन प्रेजेंटेशन। तो अगर आपके टीचर ने आपको बताया है हाउ टू एम्फसाइज ऑन प्रेजेंटेशन तो गो बाय व्हाट द टीचर हैज सेड, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो रेफर द स्टडी मैट कि स्टडी मैट से हम एडिशनली और क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कोई भी टीचर आपको कुछ भी गाइडेंस दे दे लेकिन जो स्टडी मैट है अगर आप स्टडी मैट के कुछ आंसर्स अच्छे से रेफर कर लोगे ना कि स्टडी मैट में किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, व्हाट इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर, हाउ दे हैव प्रेजेंटेड द आंसर, तो उससे अच्छा प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं हो सकता। सो अगर आप स्टडी मैट इज द होल एंड सोल, स्टडी मैट इज द होल एंड सोल, आपको स्टडी मैट अगर आपने नहीं किया है तो कुछ तो कुछ तो रह ही जाएगा अगर स्टडी मैट आपने नहीं किया है तो। एंड एक और चीज है कि पी में अगर आप देखोगे ना तो एंड में ईएसबी का कुछ गाइडलाइंस होता है, डिसीजन होता है, पीपल टेंड टू उतना दूर जा ही नहीं पाते हो,
पी करते हैं, शेड्यूल करते हैं, फिर गाइडलाइंस आता है, फिर आता है ईएसबी का डिसीजंस। लोग डिसीजंस पर पहुंच नहीं पाते क्योंकि पोर्शन इतना वास्ट हो रहा है। मैंने क्या किया था, मैंने वो पढ़ा ही नहीं था। मैं जब टैक्सी में जा रहा था एग्जाम सेंटर, तो मैंने खोल के देख लिया कि वो है क्या, कुछ तो रहे वो एमसीक्यू में। एक मार्क भी आ जाए, एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे 8 मार्क नहीं आया था December 21 अटेम्प्ट में, इसलिए मुझे 400 मार्क्स वापस पढ़ना पड़ा, राइट। कुछ ना कुछ, अगर हर एक चीज, कुछ चीज छोड़ना नहीं है, अगर कोई भी चीज छोड़ रहे हो तो एक नजर बस घुमा लो उससे, दैट वुड एंश्योर अगर 2-3 मार्क्स भी मिल जाए, नेवर नो, राइट। राइट, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो काफी और बच्चे पूछते हैं कि सर आपने जो प्रेजेंटेशन के ऊपर ये चीजें बताई हैं, मतलब बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, कहाँ से बताई हैं? और मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं करता हूँ एग्जैक्टली, मैं भी स्टडी मैट से ही वो सारी चीजें निकालता हूँ बस। तो अगर आप स्टडी मैट को रेफर कर रहे हो तो वहां से अगेन आप ब्यूटीफुली चीजों को डेवलप कर सकते हो। एंड जैसे कि निहाल ने बताया, ये सबसे पहले आप एग्जाम ओरिएंटेड वे में चीजों को रेफर कर लीजिए, उसके बाद एक बार स्टडी मैट के पेजेस टर्न कर लीजिए। अगर लग रहा है कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है जो आपने नहीं किया हुआ है, आपके बुक्स में कवर्ड नहीं है, आपने नहीं पढ़ा था, आपके टीचर ने नहीं कराया था, तो हो सकता है वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, बट एक बार उसमें से नजर घुमा लो कि है क्या, एंड इफ पॉसिबल जस्ट टेक ए जस्ट आउट ऑफ दैट। सो अगर उतना आप कर सकते हो तो दैट इज अगेन डेफिनेटली गोइंग टू एड ऑन, राइट। सो निहाल, माई लास्ट क्वेश्चन, जैसा आपने बताया कि टेस्ट पेपर्स आपने दिए, टेस्ट पेपर्स ने आपकी हेल्प करी, आपने रिटन प्रैक्टिस करा, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश करी कि चीजों को गो थ्रू करना है स्टार्टिंग टू एंड, तो एक सवाल बच्चों के मन में आ सकता है कि भाई तुमने कितना टाइम दिया ऑडिट को, आखिर तो कितना पड़ता था ऑडिट दिन में, तो हाउ मच टाइम डिड यू गैप फॉर ऑडिट एंड कितनी बार आपने रिविजन्स किए? सो रिविजन्स मैंने जो किए थे, तो मैंने डिसंबर अटेम्प्ट में थोड़ा तो ऑडिट पढ़ लिया था, 50-60 ऑडिट मुझे पता था कि ऑडिट है क्या, तो मुझे याद नहीं था एक्जैक्टली क्या चाहिए, तो ऑडिट मुझे पता था कि मैंने 50-60% एटलीस्ट मेरा कवरेज है। एडिशनली फोकस जो करना था वो जो नहीं किया था मैंने December 10, 2021 में, तो उसमें मुझे थोड़ा डिफिकल्टी आया क्योंकि नया चीज़ वापस पढ़ना, ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है वो चीज़ वापस पढ़ना इज स्टिल एन ओके टास्क, पर वापस नया नया चीज़ खोलना, दैट बिकम्स अ डिफिकल्टी, राइट। स्ट्रैटेजी वॉज के जो पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है, एडिशनली सब कुछ पढ़ना है, जो भी नहीं पढ़ा था सब कुछ पढ़ना है। रिविजन्स कितने कर रहे हैं, देर इज नो एंड टू रिविजन्स। ऑडिट में ऐसा नहीं कि आप बैठ गए आज बैठेंगे ऑडिट पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे वापस 3-4 हफ्ते बाद वापस पढ़ेंगे, ऐसा कुछ ऑडिट में है ही नहीं। ऑडिट में सिंपल चीज है, आप जितना ज्यादा डेली बेसिस पर, क्योंकि ऑडिट ऐसा है कि बहुत आप भूल जाओगे, ऑडिट रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो वर्ड्स ही ऐसे है जो आप डेली यूज करते नहीं हो, राइट। लॉ भी आप समझ पाते हो, लॉ में समझना, लॉ में रटना नहीं, ऑडिट में ऐसा होता है कि ऑडिट में आपको चीजें रटनी पड़ती है, दैट्स द ट्रुथ, राइट। आपको कीवर्ड्स हो या कुछ भी सेंटेंसेस हो आपको रटने पड़ेंगे, तो पॉइंट ये है कि आपको रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब अगर आपने अभी कुछ पढ़ा है तो डोंट गिव अ ब्रेक ऑफ से 2 वीक्स और 3 वीक्स, उसके बाद आप वापस पढ़ रहे हो, देयर वोंट बी अ पॉइंट क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रहेगा, राइट। तो रेगुलर रिविजन करना काफी इंपॉर्टेंट है। रिविजन मैंने, मुझे भी नहीं याद मैंने कितने किए थे, मैंने बहुत सारे किए थे, राइट। मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैंने 10 डेज दिए थे, राइट। फिर मैंने उसको कम करके 5 दिन दिए थे और फिर मैं ऑलमोस्ट डेली पढ़ रहा था, ऑडिट को मैंने ब्रेक दिया ही नहीं था, दैट इज हाउ। ओके, सो अगेन कांस्टेंट स्टडी इज द की, कि ऑडिट को रेगुलर बेसिस में पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो जितना टाइम पॉसिबल है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, बट डेली बेसिस में पढ़ते रहो। एक सब्जेक्ट होता है कि आप 3 हफ्ते बाद पढ़ लेते हैं, फिर 1 महीने बाद कर लेते हैं, ऑडिट में वैसे काम नहीं चलेगा, ऑडिट में आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, कॉन्स्टेंट बेसिस में आपने ऑडिट पढ़ना रहेगा। कॉन्स्टेंट बेसिस में जब आप ऑडिट पढ़ते हो तो अगेन ऑडिट को रिकॉल करने के लिए आप मेरे वॉइस क्लिप्स भी यूज कर सकते हो, मेरे रिविजनरी वीडियोस वगैरह भी यूज कर सकते हो जो मैंने आपको शेयर किया है, आपने खुद अपने कुछ रिटन नोट्स बना रखे हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो, स्टडी मैट में अगर आपने मार्किंग्स कर रखी है तो आप उन चीजों को रेफर कर सकते हो। दिस कैन बी द डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू रिवाइज द कंटेंट क्विकली, बट रेगुलर बेसिस में आपने ऑडिट पढ़ना है, जैसे कि निहाल ने बताया, टेस्ट देना है रेगुलर बेसिस में, टेस्ट देना है, लिख के प्रैक्टिस करना है चीजों को। टेस्ट देने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो सकते हैं, बट अपना मेंटर इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जिसकी रिलायबिलिटी गारंटेड है कि वहां आप टेस्ट दोगे तो मतलब आप सेटिस्फाइड हो गए, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि यस आई हैव गॉट दैट गुड एक्सपीरियंस दैट इज नीडेड इन गिविंग द टेस्ट। सो दैट इज वन गारंटी यू कैन गेट, राइट। एंड उसके अलावा एज निहाल टोल्ड कि स्टडी मैट को इंपॉर्टेंस दें, स्टडी मैट में चीजें हो सके गो थ्रू करें, जो 4-5 पॉइंटर्स के क्वेश्चन है उनको अच्छे से करें, एक लास्ट पेज की चीज निहाल ने बताई कि जो लास्ट के पेजेस में कुछ टॉपिक्स होते हैं वो अच्छे से कर लेना, तो आई डोंट नो अबाउट इट बट यस मे बी निहाल ने स्टडी किया उस चीज को एंड हो सकता है वो चीज आपके काम आ जाए, तो दैट इज समथिंग यू कैन इम्फोसाइज ऑन, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट, राइट। एंड फाइनली ऑडिट को एक फियर मेनिया मान के मत भरो,
ये मान के चलो कि यार ऑडिट भी एक स्कोरेबल सब्जेक्ट है, ऑडिट के अंदर भी मैं मार्क्स सिक्योर कर सकता हूँ। यस मेरे को थोड़ा बहुत लर्न करना होगा, थोड़ी बहुत चीजें समझनी होंगी, थोड़ा बहुत चीजें अंडरस्टैंड करना होगा, थोड़ा लिख कर देखना होगा, इन शॉर्ट थोड़ी मेहनत करनी होगी, बट मेहनत करोगे तो यस ऑडिट इज अ सब्जेक्ट दैट कैन फेच यू मार्क्स। ऑडिट इज नॉट ए सब्जेक्ट जस्ट टू ऐड आई थिंक ऑडिट कैन बी द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका मिस्टेक्स होने का चांस है। ऑडिट अगर आपको याद है तो मिस्टेक होने का चांस नहीं, आपको वही चीज वापस लिख देनी है। करेक्ट। तो मिस्टेक्स होने का चांस ऑडिट में कम है, प्रैक्टिकल में ज्यादा है। अगर आपने ऑडिट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, जो आपने पढ़ा है वही लिख देना है, कोई चांस ही नहीं मिस्टेक का। Exactly. So as Nihal told, audit can not only be scoring, it can be the most scoring subject in CA finals as well. लेकिन तुम dedication के साथ तैयारी तो करो। अगर FRSFM में तुम 500, 600, 700 घंटे देते थे और ऑडिट में 100 घंटे देकर सोचोगे यार ऑडिट में मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर वहां तुमने ईमानदारी से 700, 800 घंटे दिए हैं तो ऑडिट में कम से कम 300, 350 घंटे तो दो। एंड अगर तुम उतना दे पाते हो, अगर तुम उतना डेडिकेशन के साथ ऑडिट में भी टाइम डिवोट कर पाते हो, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर मार्क्स इन ऑडिट देन इवन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, राइट? सो थैंक यू निहाल, once again thank you for coming and thank you for guiding the students here. And again, all the very best for your future interviews as well. Thank you so much. Okay Nihal, so wishing you all the best and wishing all the students all the very best for your upcoming examinations. Thank you.